आखिर सलमान खान क्यों पहनते हैं फिरोजा स्टोन ब्रेसलेट? इसके पीछे छुपा है कौन सा राज? क्यों सलमान नहीं होने देते अपने ब्रेसलेट को कभी खुद से दूर? हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया, मैं हूं रजनी। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान का हर कोई फैन है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, उनके स्टाइल को हर कोई फॉलो करता है, उनके फैशन का हर कोई दीवाना है। सलमान खान जो भी पहनते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। तभी तो सलमान खान ने जब फिरोजा स्टोन ब्रेसलेट पहनना शुरू किया तो उनके फैंस भी उन्हें फॉलो करते करते ये ब्रेसलेट पहनने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर सलमान ये ब्रेसलेट क्यों पहनते हैं? चलिए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में इसके पीछे की कहानी। आपको बता दें, सालों से सलमान खान अपने हाथों में फिरोजा स्टोन ब्रेसलेट पहने नजर आ रहे हैं। इस ब्रेसलेट को सलमान के पिता सलीम खान ने दिया था, तभी से सलमान इस ब्रेसलेट को लकी मानते हैं और यही वजह है कि सलमान इस ब्रेसलेट को खुद से कभी दूर नहीं करते। सालों पहले ब्रेसलेट के पीछे की कहानी भी खुद सलमान खान ने अपने एक इवेंट में फैंस के साथ साझा की थी। उन्होंने कहा था कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता इस ब्रेसलेट को पहना करते थे, तब भी ये ब्रेसलेट सलमान को काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वहीं जब सलमान काम करने लगे थे तो उनके पिता ने उन्हें यह ब्रेसलेट तोहफे के तौर पर दिया था। सलमान ने बताया था कि यह आपकी तरफ आने वाली नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद स्टोन पूरी नेगेटिविटी को लेने के बाद टूट जाता है। यह मेरा 7वां स्टोन है। सलमान खान का स्टोन अब तक 7 से 8 बार चटक चुका है। बता दें, फिरोजा दुनिया के 2 लिविंग स्टोन में से एक है। इसे तिब्बत, ईरान, चीन और मैक्सिको में पाया जाता है। यह स्टोन बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसी के जीवन में हमेशा शुभ फल देता है। यही सभी चक्रों के बीच संतुलन बनाए रखता है और पहनने वाले के दिमाग को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। वेल, आपको बता दें, सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और यही वजह है कि उनके जितने दोस्त हैं उससे ज़्यादा दुश्मन हैं, और इन्हीं सभी को दूर रखने के लिए शायद सलमान खान हमेशा ये ब्रेसलेट अपने हाथ में पहने रखते हैं और इसे कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने देते हैं। वेल, आपको भी इस पर कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।